गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात अगर सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु को शीश नवाने चाहिए, क्योंकि ये सदगुरु ही हैं जिन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाकर ईश्वर से साक्षात्कार करवाया है। कबीर वाणी, कबीर वाणी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। अर्थात मनुष्य को कांटों जैसे चुभने वाले कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, चाहे विचारों में कितना मतभेद या विरोधाभास हो, हमें शांत स्वर में मीठे बोल ही बोलने चाहिए। ऐसी मीठी वाणी ना सिर्फ हमें शीतल करती है बल्कि सुनने वालों को भी आनंदित करती है। कबीर वाणी, कबीर वाणी।